आज संडे है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने एक फेवरेट हर्ब के साथ कुछ बनाऊं। मेरा जो फेवरेट हर्ब है उसका नाम पार्सली है, तो चलिए बनाते हैं कुछ पार्सली के साथ। इसे कहते हैं फ्लैटली पार्सली। देखिए इसके पत्ते कैसे लंबे हैं और फ्लैट हैं। ये पार्सली मुझे बहुत पसंद है। दूसरा पार्सली है कर्ली लीफ पार्सली। देखिए इसके पत्ते कैसे कर्ली है, सॉर्ट ऑफ इनवर्ट कर्ल हो जाते हैं। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये पार्सली जो मैंने खुद उगाया है अपने गार्डन में। देखिए पत्ते। तो इस सैलड में आज है ऑलिव्स, इनका बीज निकाला गया है। इसमें चिलगोजा है, प्याज है जो फाइनली स्लाइस्ड है, संतरे हैं, नागपुर के संतरे हैं, और ये है ककड़ी दो प्रकार के। देखिए ये पुणे वाली ककड़ी है जिसका छिलका निकाल दिया गया है, ये अंग्रेजी ककड़ी है जिसमें हमने छिलका छोड़ दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल का तेल जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा और काली मिरी जाएगी, बस फ्रेशली क्रैक्ड काली मिरी। तो चले पहले ये जो सलाद है इसका हम ड्रेसिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो इस ड्रेसिंग में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ और इसमें मैं एक आधा जो नींबू है वो निचोड़ने वाली हूँ। इसमें नींबू कम इस्तेमाल होगा, अभी इसका अच्छी तरह से मिश्रण करना है। दोनों ककड़ी मिक्स कर लेते हैं, फिर उसमें जो संतरे हमने छीले थे वो डाल देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हम इसमें प्याज डाल देते हैं, फिर इसमें हम थोड़े से ऑलिव्स डाल देते हैं इस तरह से। पार्सली के साथ हम ये सैलड बनाने वाले हैं। ये है मेरा फ्लैट लीफ पार्सली। हल्के से धो डालते हैं और इसे ऐसे निकाल लेते हैं। अभी इसे हमें हल्के से काटना है। आई एम गोइंग टू टॉस दिस सैलड। टॉस का मतलब होता है कि हल्के से उसका मिश्रण करें। Now before I do the final mix, I'm going to put freshly cracked pepper. अभी जो fresh काली मिरी रहती है उसका स्वाद अलग ही होता है। जो packet में हफ्तों से आपके kitchen में बैठ रहा है ना, उसका स्वाद अलग होता है। और एक बार और हल्के से mix करें। So the salad is ready. Let us now try it. I think it's time to try this salad. Storybook. That is so fresh. The parsley has that just delicate bitter edge. Just delicious, a light dressing. So very, very fresh, very healthy, very light. Serve this with some falafel, some hummus, some wedges of pita, and you have a perfect Sunday lunch. Enjoy.